जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का ये वीडियो है हमारा कोरमंडल एक्सप्रेस की यात्रा के दौरान का, जिसमें मैं चेन्नई से हावड़ा के बीच में यात्रा कर रहा था। फिलहाल हमारी ट्रेन कोवूर नाम के रेलवे स्टेशन से गुजर रही है और जैसा कि आप लोग तो समझ ही गए होंगे, हम लोग आज गोदावरी नदी को पार करने वाले हैं जो कि बहुत ही विशालकाय है। और गोदावरी नदी के बारे में अगर आप लोग को मैं बताऊँ तो गोदावरी माता का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह से हुआ है। नासिक से पूर्व की ओर बहते हुए गोदावरी माता राजमुंड्री तक पहुंचती हैं। हमारी ट्रेन का अराइवल भी राजमुंड्री में ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोग इस विशालकाय नदी को पार करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट आप लोगों ने कोरमंडल एक्सप्रेस की जर्नी का देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोग को चेन्नई से हमारा डिपार्चर, ट्रेन में ट्राई किया हुआ खाना, गुडर से ट्रेन का गुजरना, साथ में विजयवाड़ा में अराइवल और उसके साथ विजयवाड़ा से पहले पड़ने वाली कृष्णा नदी में जब हमारी ट्रेन रुक गई थी तो ब्रिज से दिखने वाले नज़ारे भी मैंने आपको इसे पिछले वाले पार्ट में दिखाए थे। उम्मीद करता हूँ वो पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उस पार्ट को दे सकते हैं। दोस्तों काफ़ी शाम हो गई है और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी गोदावरी नदी की ओर। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो हमारी कोरमंडल एक्सप्रेस है इसका इनॉग्रेशन 1977 में हुआ था और जब ये चलाई गई थी तब हफ्ते में केवल 2 दिन चलती थी ये ट्रेन, और धीरे धीरे समय के साथ ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया 1997 में, और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन अपनी डेली सर्विस चेन्नई से हावड़ा के बीच में प्रोवाइड कर रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि चेन्नई से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से हावड़ा और चेन्नई से सीधा हावड़ा, इन 3 बड़े शहरों को ये ट्रेन यहाँ पर जोड़ती है। दोस्तों ट्रेन में 12 स्लीपर के कोच, 1 पेंट्री कार, 3 3 टायर, 2.5 2 टायर और 1.5 फर्स्ट AC का कोच लगता है, साथ में 3 जनरल के कोच और 2 SLR के कोच लगते हैं। और ट्रेन का लोको रिवर्सल होता है विशाखापट्टनम में। चेन्नई से ट्रेन सुबह 8:45 चलती है, विजयवाड़ा ट्रेन दोपहर 3 बजे पहुंच जाती है, राजमुंड्री ट्रेन शाम को 5:30 बजे पहुँचती है, विशाखापट्टनम ट्रेन रात में 9:50 पहुँचती है, अगले दिन भुवनेश्वर सुबह 4:42 पर पहुँचती है, और अगर बात की जाए खड़गपुर की तो सुबह 9:40 खड़गपुर में होती है ट्रेन, और हावड़ा ट्रेन 11:55 PM में अगले दिन पहुंच जाती है। ट्रेन टोटल 1662 किलोमीटर को 27 hours 15 minutes में कवर करती है। तो दोस्तों गोदावरी माता आ चुकी हैं, फिलहाल आप लोग करिए इनके दर्शन और इन्जॉय कीजिए इस ब्रिज को। मैं जल्द ही आप लोग को मिलता हूँ। दोस्तों ये जो आर्च ब्रिज अभी आप लोगों ने देखा, ये 1997 में बनाया गया था और ये विश्व के सबसे बड़े आर्च ब्रिजों में से एक है, और हम लोग खुशनसीब हैं कि ये ब्रिज भारत में है। 2 आर्चेस को जोड़ करके साथ में कंक्रीट से बना ये ब्रिज बहुत ही मजबूत है और काफ़ी लंबा भी है। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कितने लंबे समय से हमारी ट्रेन इसमें चल रही है और फिर भी हम लोग इस ब्रिज को अभी ख़त्म नहीं कर पाए हैं। और अच्छी बात तो ये है कि जो हमारी गोदावरी नदी है वही बहुत ही ज़्यादा महाविशालकाय है। तो आपको ये नदी कैसी लगी, ये नज़ारे कैसे लगे शाम के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जो साइड में आप एक और पुल देख रहे हैं, पहले उसे यूज़ किया जाता था, बाद में समय के साथ उस ब्रिज को यूज़ किया जाना बंद कर दिया गया और ये नया ब्रिज आर्च ब्रिज बन करके तैयार हो गया। और अब हमारी ट्रेनें, सभी ट्रेनें इससे गुजरती हैं और काफ़ी स्मूथली, यानी कि आपको आवाज़ भी नहीं आएगी कि आप किसी ब्रिज से गुजर रहे हो। और जो काफ़ी दूर आपको वो जो ब्रिज दिख रहा है, एक और ब्रिज, वो यूज़ होता है
राजमुंड्री से विजयवाड़ा वाली लाइन के लिए, और वो है रेलकम रोड ब्रिज। कोशिश करूँगा कि जल्द ही वो ब्रिज भी मैं आप लोग को दिखा पाऊँ। रेलकम रोड ब्रिज है, ऊपर की ओर गाड़ियाँ चलती हैं और नीचे की ओर ट्रेन चलती है, सेम रास्ते पे, सेम ब्रिज पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे उस ब्रिज को भी। वैसे नज़ारा बहुत सुंदर है और शाम की जर्नी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऐसे में मन नहीं लगता। और जो असली नज़ारे हैं वो इसी जर्नी के दौरान देखने को मिलते हैं। नीचे नाव वगैरह चल रही हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और हमारी ट्रेन इस आर्च ब्रिज से बड़ी ही खूबसूरती से होकर के गुजर रही है। हमारा प्यारा भारत देश ही ऐसा है, यहाँ नदियों को पूजा जाता है, माँ के रूप का दर्जा दिया जाता है, माँ के बराबरी का दर्जा दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कैसे श्रद्धालु भक्त गोदावरी नदी के तट के किनारे आनंद ले रहे हैं, नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और एक अलग ही मज़ा होता है, मस्ती होती है और एक श्रद्धा का माहौल होता है ऐसी जगह पर। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख करके। अगर मुझे कभी मौका मिलता है यहाँ आने का तो ज़रूर यहाँ पहुँचूँगा। और ये शिवलिंग भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो यात्रा रही है मेरी लगभग सफल हो गई जब मैंने ऐसे नज़ारों को शाम को देखा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जैसे ही हम लोग गोदावरी नदी को पार करते हैं, हमारी ट्रेन एंटर करती है गोदावरी रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे राजामुंड्री रेलवे स्टेशन की ओर। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट्स को, अपने व्यूज़ को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग कोई नई अपडेट देना चाहते हैं या पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। द ट्रेन गुरु नाम है, इंस्टा आईडी है मेरी, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्द ही आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा कोरमंडल एक्सप्रेस की जर्नी का, जहाँ पर आप विजयवाड़ा से लेकर विशाखापट्टनम तक मेरे साथ यात्रा करने वाले हैं पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में विशाखापट्टनम से हावड़ा तक। तो जल्द ही मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। देखिए राजमुंड्री में अराइवल। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।